बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम वजाहत है। जिससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि एक जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो काम कैसे करता है, फिर हमने एक परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम देखा और उसके बाद देखा कि वो न्यूमेरिकली किस तरीके से लर्न करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो एक न्यूरॉन है वो एक्चुअली लर्न कैसे कर रहा है, क्योंकि आपने जब न्यूमेरिकल देखा, सोल्यूशन देखा एक न्यूरॉन की वर्किंग का, आपने देखा वो सिंपल कुछ लीनियर जो अलजेब्रा है वो परफॉर्म कर रहा है, और इसके अलावा वो सर्टेन कंडीशंस के ऊपर आउटपुट को वाई कर आउटपुट को जीरो कर रहा है या आउटपुट को वन कर रहा है। सिंपल एक्सप्रेशन से हमने एरर कंप्यूट कर लिया और फिर हमने वेट्स मॉडिफाई कर लिया और प्रोसेस चलता जा रहा है। सवाल ये आता है कि लर्निंग कहाँ हो रही है या जो लर्निंग से मुराद क्या है यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था अपनी पहली वीडियो में, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्निंग से मुराद ये है कि इट्स अ सर्चिंग प्रोसेस जिसमें हम लोग वेट्स फाइंड करते हैं, ऐसे वेट्स फाइंड करते हैं जिसके ऊपर आपका न्यूरॉन कौन सा है वो, या आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो कन्फिगर हो जाता है, वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेता है, अपने आप को फिट कर लेता है ओवर द गिवन डेटा सेट, ताकि वो उसी तरीके से बिहेव करे जिस तरह का आपने उसको डेटा सेट दिया हुआ है। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं ये एक्चुअली हो भी रहा होता है कि नहीं हो रहा होता, कैसे हो रहा होता है, ये वेट्स का रोल क्या है एक्चुअली इसके अंदर। इसके साथ ही जो एक कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर सेपरेबिलिटी कहते हैं। इसको साथ में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लीनियर सेपरेबिलिटी से मुराद क्या है, ये जो परसेप्ट्रॉन है वो किस तरीके से उसने हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर एंड गेट को लर्न कर लिया था, और तो क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, ऐसे स्नैरियोज भी हैं जहां पर एक जो परसेप्ट्रॉन है वो किसी चीज को लर्न ना कर सके। हम लोग यहाँ पे वही जो डेटा था हमारा एंड गेट वाला उसको लेते हैं, 0 0 0 और 1 हमारे पास फोर्थ इनपुट की, जिसमें 1 1 आता है उसकी हमारे पास आउटपुट थी। अब मैं इस डेटा सेट को क्या करता हूँ, सिंपली मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ ग्राफिकल। लेट्स से अगर ये मेरे पास x1 है, ये x2 है और ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर कहीं करके हमारे पास 1 बनता है, यहाँ पर कहीं करके हमारे पास 1 बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो हम देख सकते हैं कि जब 0 0 है तो आउटपुट 0 है। इसको मैंने, अब ये फीचर्स हैं हमारे पास x1 x2, तो मैंने ये जूम कर लिया है कि 0 को मैं इस रेड ब्रिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये रेड ब्रिक है, ये 0 है। जब मेरे पास फीचर उनसा था वो x2 0 था, x1 1 था, तब भी रेड ब्रिक थी। जब मेरे पास x1 0 है और x2 मेरे पास 1 आ गया, तब भी मेरे पास रेड ब्रिक है। यहाँ पर रेड ब्रिक से मुराद क्या है कि मेरे पास 0 0 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, मेरे पास लेबल्स और क्लास लेबल्स हो गई, तो मैंने ये देखना है कि क्या जब मैं इसको 1 1 दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आई थी, ग्रीन की ब्रिक आई थी जो कि लेट्स से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, अब मेरे पास कल को एक नया पॉइंट आता है, लेट्स से एक मेरे पास एक नई ब्रिक आती है जो कि इस कलर की है। ठीक है, तो ये जो नई ब्रिक है ये कहाँ प्लेस होगी, इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा कि ये ग्रीन में फॉल करेगी या रेड पे फॉल करेगी, ये 1 बनेगा या 0 बनेगा, इसको मैं कहाँ फिट करूंगा। तो देखिए, मैं मुझे इसके लिए यकीनन अगर मेरे पास इस कलर का एक नई ब्रिक आ रही है जो कि एक किस्म की ग्रीन की टोन है, तो विच मीन्स के इस केस में आई एम एक्सपेक्टिंग जो भी x1 x2 की वैल्यू है उसके रिजल्ट में ये जो ब्रिक है इसको कहीं इसके आसपास में आना चाहिए, इस ग्रीन के आसपास में आना चाहिए। अब मसला ये आता है कि देयर इज नो बाउंड्री ओवर हियर जो कि मुझे ये बता सके कि रेड का रीजन कितना है और ग्रीन का रीजन कितना है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे कोई इस तरह की बाउंड्री मिल जाती है तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी डेटा पॉइंट, जो भी मेरा डेटा पॉइंट है जो कि इस रीजन में लाए कर रहा है, इस रीजन में लाए कर रहा है, वो सारा का सारा डेटा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेड ब्रिक को जो कि 0 है, विच मीन्स के x1 और x2 की वैल्यूज के मुताबिक कोई भी पॉइंट जो इस रीजन के अंदर अंदर क्रिएट होगा वो लेबल हो जाएगा एज 0, यानी रेड ब्रिक के तौर पे, और जो भी पॉइंट मेरा इस लाइन से ऊपर चला जाएगा वो लेबल हो जाएगा एज अ ग्रीन ब्रिक, यानी 1। अगर गलती से कोई रेड वाला यहाँ पे आ जाता है या ग्रीन वाला इधर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एरर है, जो कि हमने देखा कि फिर क्या होगा, किसी तरीके से एरर कंप्यूट होगा, वेट्स मॉडिफाई होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये कैसे कैसे बनाई जाएगी। मैंने तो यहाँ देखा और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, मगर जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, क्या न्यूरॉन भी एक लाइन ड्रॉ करता है या नहीं करता है? जी हाँ,
लीरोन भी एक लाइन ड्रॉ करता है। इस लाइन को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन लाइन। बेसिकली आप जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन लाइन कहते हैं। और ये जो हमने काम किया है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, लीनियर होती है। तो हमने क्या किया, हमने एक लीनियर लाइन से सेपरेट कर दिया है किसको, अपनी लेबल्ड डेटा को, रेड्स को और ग्रीन को। इसको हम कहते हैं लीनियर सेपरेबिलिटी। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, जो भी वो मैथमेटिकली कर रहा है, जब मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो बेसिकली वो एक लीनियर सेपरेबिलिटी टू डिमेंशनल प्रॉब्लम के लिए वो एक किस्म की एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर रहा है। थ्री डिमेंशनल प्रॉब्लम के लिए वो कंस्ट्रक्ट करेगा प्लेन, और एन डिमेंशन के लिए वो कंस्ट्रक्ट करता है हाइपर प्लेन। बहरहाल समझने के लिए, आसानी के लिए हम 2D प्रॉब्लम्स लेकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो एक किस्म की लीनियर सेपरेशन कर रहा है बिटवीन रेड एंड ग्रीन। अब सवाल ये आता है कि मैंने तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, जो न्यूरॉन है ना तो उसकी आंखें ना वो ये देख पा रहा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, ना उसके पास कोई पेंसिल है जिसको उठा के एक लाइन ड्रॉ कर देगा। तो सवाल ये आता है कि वो लाइन किस तरीके से स्केच करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वो वेट्स है। होता क्या है कि देखिए, हमने पहले बात की थी कि ये एक किस्म की लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, x1 into w1, x2 into w2 जब हो रहे हैं तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि जो w1 है w2 है ये x1 और x2 के ऊपर लाई कर रहे हैं। जो भी x w1 की वैल्यू है, अगर w1 की वैल्यू लेट्स से 0.3 है तो वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, अगर w2 की वैल्यू 0.5 है तो वो कहीं यहाँ के दरमियान में लाई कर रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि जब मेरे पास अगर w1 0.3 है तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर, और जो w2 है वो 0.5 है तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर, तो तकरीबन मेरा जो पॉइंट बनेगा वेट का वो ये बनेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं वेट वेक्टर्स को लूं और मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूं ग्राफिकली तो क्या होगा, कुछ ये वाला काम होगा। लेट्स अज्यूम कि ये वो पॉइंट है जहां पर मेरे पास W1 है, ये वाला पॉइंट है जहां पर मेरे पास क्या है W2 की ये वैल्यू बनती, जो भी बनती है न्यूमेरिकली, इसके मुताबिक मेरा वेट वेक्टर ये बन गया। अब फिर एक प्रॉब्लम बन गई मेरे लिए, मुझे तो ऐसी लाइन चाहिए थी, ये तो मेरे पास वेट वेक्टर से प्लॉट हो गया, बस रिप्रेजेंट हो गया। अगर आप रिकॉल करें FSC को, अपने हाई स्कूल को रिकॉल करें, तो आपने पढ़ी होगी टेंजेंट लाइन। अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं वो कुछ ये होगी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं लीनियर सेपरेबल लाइन उनसे थी, ये बेसिकली ड्रॉ हुई है एज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, अ वेट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि किसी किस्म का मेरे पास यहां पर कहीं पर कोई एक वेट वेक्टर है जो के जिसके अक्रॉस की टेंजेंट लाइन प्लॉट हो रही है। इसका मतलब ये है कि वेट वेक्टर को चेंज करने से जो टेंजेंट लाइन है इसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो देखें कि जिस वक्त हमारा एरर प्रोड्यूस हुआ, देखें अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन प्रॉपर तरीके से रेड को और ग्रीन को सेपरेट नहीं कर पा रही जैसे मैंने यहां पर सेपरेट किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो वेट निकला है ये गलत है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इसकी वजह से यहां पर एरर प्रोड्यूस होगा स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो अब स्टेप नंबर 4 में जाएंगे तो हमें न्यू वेट की वैल्यूज मिलेंगे। जो न्यू वेट का वैल्यूज बनी हमारे पास, उसको मैंने फिर से प्लॉट किया, वो लेट से ये वाली हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई, विच मीन्स कि इसके अगेंस्ट अगर फिर से एक टेंशन लाइन प्लॉट करूं तो मेरे पास ये बन रही है, विच मीन्स कि कतरे बेहतर बट नॉट गुड। इसका मतलब यह है कि एरर की वैल्यू यहां पर कुछ रिड्यूस हुई होगी, वेट्स फिर से मॉडिफाई होंगे, अब हम जाके फिर से अप्लाई करेंगे, प्रोसेस रिपीट करेंगे, और इसके रिजल्ट में मेरे पास एक और क्या आएगा, फिर यहाँ वेट वेक्टर आ जाएगा, लेट्स से वो यह आ गया जो कि इसे क्वाड्रेंट ही शिफ्ट कर लिया है अपना, क्योंकि वेट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ अजम्पशन ले रहा हूँ, यहाँ पर इसे क्वाड्रेंट शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ आके मैंने फिर से ड्रॉ की टेंजेंट लाइन, ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, काम खराब हो गया। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें हम वेट्स को इस लूप में, इस न्यूरॉन की फंक्शनलिटी परफॉर्म होती जा रही है और वो वेट्स मॉडिफाई करता जा रहा है, तो न्यूमेरिकली वो ये हो रहा है कि हमारे पास एक वेट वेक्टर कंस्ट्रक्ट होता है। वेट वेक्टर के कंस्ट्रक्ट होने के रिजल्ट में
मेटाफोरिकली स्पीकिंग उसके बीच जो टिजन लाइन ड्रॉ होती है वो टिजन लाइन हमारी क्या होती है, क्लासिफिकेशन लाइन होती है बेसिकली। कुछ स्टेप्स रिपीट करने के बाद इस तरीके से हमारे वेट्स बार बार क्या हो रहे होंगे, मॉडिफाई हो रहे होंगे, टिजन लाइन बार बार शिफ्ट हो रही होगी और इवेंचुअली हमें एक ऐसा वेट फैक्टर मिलेगा शायद जिस जो कि क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जो टीचर लाइन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी प्रॉब्लम को क्या कर रही होगी, क्लासिफाई कर रही होगी। यकीनन ये जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है इनसेपरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें दो चीजें हमें समझ में आ रही है कि एक जो न्यूरॉन है, सिंगल जो न्यूरॉन है वो एक लीनियर टीचर लाइन प्लॉट करता है जो कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक लीनियर क्लासिफिकेशन लाइन है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि एक जो न्यूरॉन है वो कर क्या रहा है, एक न्यूरॉन सिंपल एक लाइन प्लॉट कर रहा है ये वाली जिसको हम डिजिटल लाइन कह रहे हैं वाली, और इसके अलावा उसकी कोई वर्किंग नहीं है। जब नेटवर्क बनता है तो अगर उसके अंदर दो न्यूरॉन्स हैं तो विच मीन्स के एक प्लेन बनेगा, और अगर दो से ज्यादा न्यूरॉन्स आ रहे हैं विच मीन्स के हाइपर प्लेन बनेगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली जो उसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस है वो इंक्रीज हो रही है प्रॉब्लम स्पेस की। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं और मैं एंड गेट बजाय यहाँ पे एक्सॉर गेट ले लेता हूँ, अब देखिए एक्सॉर गेट को मैं अगर प्लॉट करूँ 0 1 1 0 इसकी हमारे पर टारगेट वैल्यूज आती है, तो विच मीन्स कि हमारे पास ये 0 0 को मैंने रेड ब्रिक्स कह दिया और जो मेरे पास 1 1 है को मैंने ग्रीन ब्रिक्स कह दिया, मेरे पास ये 1 1 और 0 0 आ गए। क्या मैं इस केस में कोई एक सिंगल लाइन प्लॉट कर सकता हूँ? कभी भी मैं कभी भी यहाँ पर किसी एक सिंगल लाइंस को सॉल्व नहीं कर सकता, जो मर्जी कर ले। इट मींस कि सिंगल जो न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन है वो कभी भी एक्सॉर गेट लर्न नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सॉर गेट का जो डाटा है वो नॉन लीनियर है, इसको हम लोग सिंगल क्लासिफिकेशन लाइन से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन दैट वी नीड टू हैव अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इस केस में मुझे दो लाइन्स चाहिए, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, कुछ इस तरीके से। अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगा अभी भी सेट क्लासिफाई नहीं कर पा रहा, मुझे दो चाहिए, ये दो न्यूरॉन्स मुझे चाहिए होंगे इसके लिए। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू लर्न एंड दी एक्सॉर गेट डेटा सेट मुझे यहाँ पर एक्चुअली दो न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड है। एक न्यूरॉन मेरे लिए ये वाली क्लासिफिकेशन लाइन प्लॉट करेगा, दूसरा वाला ये प्लॉट करेगा। इट मीन्स कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो नेचुरली क्या होती हैं आमतौर पे वो नॉन लीनियर होती हैं, तो जिसके जिस केस में हम कभी भी सिंगल क्लासिफिकेशन लाइंस को उनको सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बनाते हैं विद द होप कि हमारे पास मल्टीपल क्लासिफिकेशन लाइंस बन रही होंगी जो कि अपने अपने रीजन को में रहते हुए चीजों को क्लासिफाई कर रहे होंगे। दिस इज हाउ अ न्यूरॉन एक्चुअली लर्न बाय चेंजिंग द वेट्स, और वेट का एक्चुअल जो इफेक्ट है वो हमें नजर आता है जो उसके गेंद जो बन रही होती है हमारी टेंजेंट लाइन। और यकीनन जो न्यूरॉन्स हैं उनकी लिमिटेशन है कि न्यूरॉन्स उनसे होते हैं वो सिंगल क्लासिफिकेशन लाइन प्लॉट करते हैं, तो जिसकी वजह से वो नॉन लीनियर डेटा लर्न नहीं कर पाते। तो इसका जो हल है वो ये है कि हम लोग एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बनाते हैं जिसके जरिए हम लोग नॉन लीनियर डेटा को भी लर्न कर सकते हैं।